ट्रांसलेशन का पहला वीडियो लेकर के मैं अनिल बिस्वानी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं बिस्वानी क्लासेस में। और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बेसिक से शुरू करेंगे ट्रांसलेशन को समझना और सीखना। तो जब भी ट्रांसलेशन हम सीखते हैं तो ट्रांसलेशन हमको बोलने में, लिखने में, एग्जामिनेशन में हर जगह हमको जरूरत पड़ती है। और अधिकतर जब हम अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं तब हमको ट्रांसलेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। और हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि इस तरह के सेंटेंस हैं तो किस तरह हम उसको ट्रांसलेट करें। तो हम देखेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे आरपी सिन्हा की बुक का यह मटेरियल है जो मैं सारा का सारा आपको पढ़ाऊंगा। पूरी किताब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, छोटे छोटे वीडियोज में मैं बढ़िया बढ़िया बातें लाता रहूंगा। तो सबसे पहले कर्ता के रूप से उन्होंने शुरू किया है, यानी किसी भी सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो एक तो उसके साथ हम टेंस और हेल्पिंग वर्ब का उचित प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ, लेकिन उससे पहले हमको वो सब्जेक्ट जो वहां पे लिखा है उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे, आपको ये बात मैं अंग्रेजी जब पढ़ाता था, अंग्रेजी जब मैं बेसिक पढ़ाया तब मैंने ये बात आपको अच्छे से समझाई थी कि किसी भी सेंटेंस के तीन पार्ट्स होते हैं मुख्य, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और होता है उसका ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ये मैंने बताया था, और ये प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार हिंदी के सेंटेंसेस पढ़ते समय हमको ये समझ नहीं आता कि इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, तो ने के से के पहले जितने भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो सब उस सेंटेंस के एक्शन को करने वाले सब्जेक्ट होंगे। इस तरह से हम कर्ता के रूप देखेंगे, लेकिन यहां सब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्ट हमारा कोई फ्रेज भी होगा तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस हमारा कोई क्लॉज होगा तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा कोई इन्फिनिटिव होगा तब हम क्या करेंगे, और किस तरह का वह हिंदी का सेंटेंस रखेगा, और सेंटेंस हमारा जब कोई जीरंड होगा तब वह किस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए होगा, और किस तरह का सेंटेंस हिंदी का होगा। जब हम समझ पाएंगे कि ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, ये नाउन या प्रोनाउन है, और कौन सा नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में जो लिखा है उसमें सब्जेक्ट कौन होगा, मैदान पर राम क्रिकेट खेलता है तो यहां मैदान भी नाउन हो सकता, नाउन है, क्रिकेट भी नाउन है, राम भी नाउन है, इसमें राम मैदान क्रिकेट में सब्जेक्ट कौन है, और सबसे पहले हम कौन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, और किस तरह हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम शुरुआत से बेसिक से आपको सिखाने वाले हैं। तो जो पहला फंडा उन्होंने बताया है समझने का, सबसे पहला फंडा ये है कि अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य के कर्ता को पहचानें। कर्ता भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और यह कई रूपों या फॉर्म्स में हमारे सामने आता है। यहां इसके रूपों पर विचार करें और देखें जरा किस तरह से आप उनको पहचान पाएंगे। जैसे इन वाक्यों को देखें, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो जितने भी नाउन ने होंगे, ने के पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा और वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने कहा किसने, तो किस बराबर होता है कौन, यानी कौन ने, यानी हु हो गया सब्जेक्ट कौन ने। और हमने कहा राम ने हमने, तो ये जो ने है हिंदी का, जो ने है, इस ने के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वही एक्चुअल सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और फिर हम उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग लगाकर, जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे और ट्रांसलेट कर देंगे सेंटेंस को, उचित क्रम में रखकर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको नहीं भूलना है। हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसके अनुसार की जाने वाली क्रिया, और फिर वह क्रिया जिस पर हुई है यानी रिसीवर उसका, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो किसने, कौन ने, तुमने, राम ने, हमने, मेरे बड़े भाई ने, मेरे पड़ोसी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, तो ने के पहले जितने भी नाउन प्रोनाउन आए हैं वो सब के सब सेंटेंस के सब्जेक्ट है, और फिर टेंस को पहचानेंगे हम वर्ड के अंत से। पढ़ाई, जब ई या ए पर कोई सेंटेंस खत्म होता है तो वह टेंस पास्ट का इंडेफिनिट होता है, और ट्रांसलेशन करते समय वर्ब की केवल हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये चीज आपको पहले बढ़ाई जा चुकी है। तो शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो शिक्षक हमारा हो गया सब्जेक्ट, ने की अंग्रेजी यहां पर लगाई नहीं जाएगी, और पढ़ाई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। शिक्षक ने क्या किया, पढ़ाई किया,
और क्या पढ़ाया उसने, अंग्रेजी, या ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको हम क्रम में किस रखेंगे, ऐसे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस क्रम में हम रखेंगे। अभी इनका ट्रांसलेशन मैं आगे करना बताता हूं। छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, तो छात्र ही हमारा सब्जेक्ट है। उसने राम को कलम दी, तो उस यानी वह, उस बराबर वह, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। दोनों ने, तो दोनों यानी बोथ, और यही हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट हो गए। अब हम देखेंगे इनका ट्रांसलेशन कैसे। ऐसे वाक्यों का कर्ता होता है कौन, संज्ञा या सर्वनाम, और उसके बाद ने, यानी ने के पहले लगा संज्ञा और सर्वनाम, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अंग्रेजी में इनका सब्जेक्ट होता है ऐसे, देखो कैसे किया है। अंग्रेजी में इनका सब्जेक्ट कैसा है, सबसे पहले नाउन प्रोनाउन, ने के पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन लेंगे, फिर हम क्रिया लेंगे उसी के अनुसार यूज्ड, और फिर वर्ब, अदर वर्ड्स जो वहां पर लिखे हैं, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी लिखा है वहां पर, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो सब हम लगा देंगे। द टीचर टॉट इंग्लिश, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। स्टूडेंट, छात्रों ने बुक पढ़ी, छात्रों ने किताब पढ़ी। तो ये हमारे छात्र हो गए, ये हमारा टीचर हो गया, और इन दोनों ने जो काम किया वो दूसरे नंबर पर हो गया, और तीसरे नंबर पर जो काम किया गया, जिस उस एक्शन को जिसने रिसीव किया, वो हमने लगा दिया। तो टीचर टाट इंग्लिश और स्टूडेंट्स रीड बुक्स, ये दोनों सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो गए हिंदी के अंग्रेजी में। आप जरा ये देखें सेंटेंसेस, उसने राम को कलम दी, ही या सी, अब यहां देखो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, उसने है, अब यहां पर उससे कोई जेंडर तो क्लियर नहीं हो रहा, तो उसने राम को कलम दी, ही या सी गेव राम अ पेन। आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं, ही या सी गेव अ पेन और टू राम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं विधिवत। दोनों ने भोजन बनाया, दोनों ने भोजन बनाया, तो दोनों हमारे सब्जेक्ट हो गए, ने की अंग्रेजी नहीं लगेगी, बोथ कुक्ड फूड, कुक्ड सेकंड फॉर्म लगी है यहां पर, बनाया, या ई ए की मात्रा पर सेंटेंस खत्म हो हिंदी का, तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर ट्रांसलेशन किया जाएगा। समझ में आ रही है बात। ऐसे वाक्यों का कर्ता कोई नाउन प्रोनाउन नहीं हो सकता, दूसरा नाउन प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ने के पहले वाला नाउन प्रोनाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इसलिए यहां अंग्रेजी, पुस्तकें, राम, भोजन का प्रयोग कर्ता के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि वह सब ऑब्जेक्ट है जिन पर क्रिया करी गई है। अब इन वाक्यों को देखें, राम के एक लड़की है, अभी ने के पहले सब्जेक्ट आया था, अब आ रहा के। अब देखो यहां के का मतलब क्या है, ये के जो है ये गुड़ है, इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी। राम एक लड़की है, राम एक लड़की है नहीं है सेंटेंस, अंग्रेजी में इस के का मतलब है पजेशन। के का मतलब क्या है बेटा, अंग्रेजी में के का मतलब के या के पास, इसका मतलब है हैज बेटा, हैज, हैव और या हैड, ये तीनों। अब ये थे के लिए, थी के पास थी और के पास है, और विल हैव शैल हैव लगा देंगे तो के पास होगी, ऐसे सेंटेंस। तो राम के एक लड़की है, तो राम ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, राम हैज अ डॉटर, राम के पजेशन में। सीता के दो पुत्र हैं, तो सीता हैज टू सन्स। समझ में आ रही है बात बेटा, बेटा बात समझ में आ रही है अच्छे से। उसके तीन गायें हैं, तो ही या शी दोनों हो सकते हैं, ही या शी हैज थ्री काउज, थ्री काउज, और ये सेंटेंस बन गए हमारे। बात समझ में आ गई। तो ने के और के पहले वाला संज्ञा या सर्वनाम, मेरे पांच बहने हैं, देखो के और रे प्लस संज्ञा, के और रे के बाद आने वाली संज्ञा, लड़की, पुत्र, गायें, बहने, ये सब क्या है, ये सब कर्ता वाक्य के बहने हैं। अब यहां पर अगर हम इसको ऐसे बना ले,
देखो ये सेंटेंस दो बचे हैं इनको बना लो, मेरे पांच बहनें हैं तो मेरे में यानी मैं रखता हूं तो आई हैव फाइव सिस्टर्स, बात समझ गए? तो रे और यही संज्ञा हमारा क्या है, यही हमारा के बाद आने वाली संज्ञा समझे। देखो यहां पे राम पहले आया सब्जेक्ट हो गया और बाद वाले ये सब कॉम्प्लीमेंट्री या ऑब्जेक्ट जो भी है वहां पर, एक्शन है तो ऑब्जेक्ट और नॉन एक्शन है तो कॉम्प्लीमेंट हो, ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट हो गए, ये हो गए कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, हो गए पूरक। राम हैज अ डॉटर, सीता हैज टू सन्स, क्लियर हो गई बात। अब जरा यहां सेंटेंस देखो, उसके तीन गायें हैं, सी हैज थ्री काउज, मेरे पांच बहनें हैं, आई हैव फाइव सिस्टर्स। हिंदी के वाक्य का सब्जेक्ट पहचानने को मैं सिखा रहा हूं आपको, समझ में आ रही है बात बेटा? चलो आगे देखते हैं। अब रूल नंबर दूसरे का ए देखें, के रे के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन अंग्रेजी में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इस प्रकार अनुवाद बिल्कुल ना करें। किस तरह? सीता हैव टू सन्स, सीता है टू सन्स हैव सीता। अब देखो यहां सीता हैव टू सन्स, सीता हैज होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहां टू सन्स के अनुसार यहां हैव नहीं लगेगा बल्कि सीता के अनुसार यहां हैज लगेगा। अब टू सन्स हैव सीता ये भी गलत हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर गलत हो गया, क्योंकि के और रे के पहले आने वाला, ने के पहले आने वाला सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गई बात बेटा? चलो अब देखें रूल नंबर नेक्स्ट, संबंध कारक का सर्वनाम, जो रिलेटिव प्रोनाउंस लगते हैं संबंध कारक बनाने वाले अंग्रेजी में कर्ता कारक के रूप में आता है, जैसे उसके ही, मेरे तो आई, तेरे तो तू, तो तू तो तुम है ना, उनके तो दे है ना, मेरे भाई के तो माय ब्रदर। यहां यहां ये के, यहां के और रे और ते रे और रे, इसकी अंग्रेजी बिल्कुल लगाई नहीं जाती, अभी आपको मैं बता चुका हूं ये चीज, आप जरा देखें। रूल नंबर सी, कुछ लोग हिंदी के ऐसे वाक्यों में के रे के बदले को का प्रयोग कर बैठे हैं, परंतु यह अशुद्ध है। इस प्रकार के वाक्यों में राम को उसको का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि यह पजेशन दिखाना शुरू कर देगा। फिर भी यदि ऐसे को से संबंध का बोध हो तो इसका अनुवाद भी के समान हैज हैव के द्वारा ही करें। कुछ लोग अधिकार का बोध कराने के लिए के पास का प्रयोग भी करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था के पास, जैसे हम कहें राम के तीन गाय हैं तो राम के पास तीन गायें हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। इस के पास का भी अनुवाद हैज हैव ही होता है, जैसे के का अनुवाद हैज हैव होता है वैसे के पास का अनुवाद भी हैज हैव ही होता है। ठीक है, राम के पास तीन गायें हैं, राम हैज थ्री काउज। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे, शिक्षक ने प्रश्न किया तो द टीचर क्वेश्चन्ड, द टीचर क्वेश्चन्ड, शिक्षक ने की अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लगेगी, द टीचर क्वेश्चन्ड क्वेश्चन्ड या आस्क्ड, ठीक है ना, द टीचर आस्क्ड, ऐसे भी कर सकते हैं। उसने रोटी दाल खाई तो ही एट, खाई सेकंड फॉर्म लगेगी, ही एट, क्या एट किया, रोटी दाल, यानी ही, सीधे सीधे आप दाल रोटी के लिए फूड लगा सकते हैं या आप रोटी के लिए ब्रेड एंड पल्स लगा सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं दोनों। हम लोगों ने गीत गाया तो वी, हम लोगों ने के पहले हम लोगों तो वी पीपल नहीं लगाएंगे, सिर्फ वी लगा देंगे, वी सैंग अ सॉन्ग, वी सैंग अ सॉन्ग, बिल्कुल सेंटेंस है, उन्होंने दो कलमें खरीदी तो ही, यहां उन्होंने है। अब देखिए उन्होंने यहां सिंगुलर भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने प्लूरल तो होता ही है, लेकिन मैं अपने पिताजी की बात करता हूं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने ये कहना तो उन्होंने यहां सिंगुलर हो गया, मैं ड्यू टू रिस्पेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपने पिता का जिक्र कर रहा हूं। तो हिंदी में इस बात का ध्यान रखना कि हम कभी कभी हम
हम अब प्लूरल बोल रहा हूं मैं, कभी कभी हम प्लूरल बोल लेते हैं मैं को भी, हम तो नजीबे का मतलब है मैं नहीं जाऊंगा। तो ये अंग्रेजी के साथ नहीं होता, यहां हम अपने लिए लगा रहे हैं। उसी तरह हम पिताजी के लिए करें, उन्होंने मुझे कभी नहीं पीटा। उन्होंने, तो उन्होंने का मतलब मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपने पिता का जिक्र कर रहा हूं, इसलिए मैं ही उसने नहीं कह रहा हूं। एक्चुअली ये उन्होंने उसने भी हो सकता है। तो उन्होंने दो कलमें खरीदी, ये बिल्कुल डाउटफुल है। तो यहां दोनों सेंटेंसेस हो सकते हैं, दे बॉट खरीदी, सेकंड फॉर्म लग जाएगी बेटा, दे बॉट टू पेंस, टू पेंस, दे बॉट टू पेंस, छात्रों ने उत्तर दिया, तो द स्टूडेंट्स आंसर्ड, आंसर। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। आगे सेंटेंसेस देखो, सब लोगों ने पुस्तक पसंद की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्रांसलेशन खुद से करिएगा, मैं सारी चीजें आपको समझाता जा रहा हूं, ये आप खुद से करिए। अब जरा इन वाक्यों को देखें, राम को घर जाना है। अब फिर देखो, राम को घर जाना, अब को के पहले जो संज्ञा सर्वनाम आया है, को के पहले, मुझको, राम को। अब यहां मुझको इस सेंटेंस में जो राम को, जैसे मैंने राम को पेन दिया, पेन दिया, अब यहां पर जो राम को यूज किया गया है, ये राम को एक्चुअली ऑब्जेक्ट है और इसकी अंग्रेजी होगी टू राम, टू राम, क्योंकि यहां पर मैं है सब्जेक्ट इस ने के पहले वाला, लेकिन यहां राम को घर जाना है या राम ने घर जाना है, राम ने घर जाना है। इन दोनों सेंटेंसेस में राम ही सब्जेक्ट है, यानी को के पहले का नाउन प्रोनाउन अगर सेंटेंस में शुरुआत में यूज किया गया है, तो को और ने और रे के पहले वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट ही होगा। इस तरह से जब मैंने, तुमने, हमने वाले सेंटेंसेस हो और वहां राम को, तुमको, मुझको का प्रयोग हो, यानी मैंने और तुमको दोनों एक ही सेंटेंस में आए, तो मैंने सब्जेक्ट होगा और तुमको ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर अकेला सेंटेंस में तुमको आता है, तो वही सेंटेंस का तुम बन जाएगा सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का। छात्रों को कहानियां लिखनी है, तो छात्रों को कहानियां लिखनी है, यही हमारा सब्जेक्ट है। मुझको पत्र लिखना है, तो मुझ यानी मैं ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, को से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अकेला आया है। उसको, तब उसको यहां उस ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, को का कोई मतलब यहां नहीं है। अब जैसे और देखो सेंटेंसेस, मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, अब से के पहले मोहन आया है, राम से किया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, तुमसे किया नहीं जाता, मुझसे लिया नहीं जाता, तुमसे दिया नहीं जाता। तो ये जो हम से के पहले तुम, हम, मुझ, ये सारे के सारे यूज कर रहे हैं, यह भी नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम जो हमारे से पहले लगेंगे, ये भी सेंटेंस के सब्जेक्ट ही कहलाएंगे। मुझसे बैठा नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, बात समझ में आ रही है? तो ये से के पहले मोहन है ना, और से पहले मुझ, मुझसे, मुझको, ये सारे के सारे मुझ जो है ये सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट कौन होता है? ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट संज्ञा सर्वनाम को से को के पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन उसका सब्जेक्ट होता है। क्लियर हो रही है बात बेटा? समझ में आ रहा हो तो बता देना हमको जरूर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउन प्रोनाउन को से, अब देखो यहां राम हो गया हमारा को से पहले वाला, राम हैज टू गो होम, राम को घर जाना है, राम को घर जाना है, तो हैज, और अब देखो हैज, हैव के बाद जब हम लगाते हैं, ट्रांसलेशन समझ लो, हैज, हैव और हैड, अगर इन तीनों के बाद तुरंत हम इन्फिनिटिव लगा देते हैं बेटा, समझो इन्फिनिटिव लगा देते हैं, तो ये कंपल्सन बन जाता है। तो
तो ये कंपल्जन बन जाता है, माने बाध्यता बन जाती है, कंपल कर देता है काम करने के लिए। तो राम हैज टू गो होम, राम को घर जाना है, यानी अब उसके डंडा पड़ जाएगा अगर वो घर नहीं जाएगा। राम को घर जाना है। स्टूडेंट्स हैव टू राइट स्टोरीज, स्टूडेंट्स को स्टोरीज लिखनी है, तो स्टूडेंट्स हैव टू राइट स्टोरी। यहां बाध्यता का द्योतक हो रहा है, दो बाध्यता दिख रही है, इसलिए हम हैज हैव का यूज करके, हैड का यूज करके इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लेंगे तुरंत। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? आप जरा इन सेंटेंस, मुझको पत्र लिखने हैं। अब देखिए दो संसार हैं, मुझको पत्र लिखने हैं, मुझको, मैं पत्र लिख लूंगा और तुम दूसरा काम कर लोगे, तो मुझको पत्र लिखने हैं और तुमको जो है खाना बनाना है। ये सिंपल ड्यूटीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में, अपनी बात कर लिया हमने, मुझे ये करना है तुमको, ये मैं सिंपली बता रहा हूं। अगर इसी को मुझको पत्र लिखने ही हैं, यानी पत्र लिखने हैं, अब यहां बाध्यता आ गई, तो जैसे ही बाध्यता आए तो हैज हैव का यूज करें, और नहीं अगर सिंपली आप इसको ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप यहां पर एम भी लगा सकते हैं। आई एम टू राइट लेटर्स, मुझे पत्र लिखने हैं, अब मुझे पत्र लिखने हैं, अब मुझे पत्र लिखने हैं, तुम्हें क्या कर, क्या करने जा रहे हो यार, अब मुझे पत्र लिखने हैं, मतलब कोई बाध्यता नहीं है यहां, बस सिंपली मैं बता रहा हूं कि मुझे पत्र लिखने हैं और यू आर टू गो देयर एंड टू वॉच इट आउट, तुमको वहां जाना है, देखना है, ठीक है ना, तो तुम चले जाओ वहां, देखा हो जाके, सिंपली मैंने बता दिया। और तुमको जाना पड़ेगा वाला सेंस दे दे अगर हम यहां पर, तुम्हें जाना है कहने के सेंस में ही हम बाध्यता दे देंगे तो हैज हैव का यूज कर लेंगे। अब देखो, मोहन से चला नहीं जाता, अब चेहरा चला नहीं जाता, किया नहीं जाता, लिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता, तो ये जाता जो है एबिलिटी दिखाता है, मुझसे चला नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू वॉक, सीधे सीधे आप उसको ऐसे करेंगे। मोहन से के पहले, को के पहले, को के पहले, से के पहले, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं और सेंटेंस के हमें ट्रांसलेशन को इसी तरह से करना है। मोहन, उसको किताबें पढ़नी है, तो सी या ही हैज टू रीड बुक्स, किताबें पढ़नी है, यानी किताबें पढ़नी पड़ती हैं उसको। मोहन से चला नहीं जाता, अब देखो चला नहीं जाता, जब भी इस तरह के सेंटेंस है, इज नॉट एबल, क्या करोगे, मोहन इज नॉट एबल टू वॉक, मुझसे अब बोला नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू टॉक, मुझसे अब बोला नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू सिट, उनसे खाया नहीं जाता, दे आर नॉट एबल टू ईट। ध्यान दें, क्या ध्यान देना है कि को जो है वो कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक का मतलब ऑब्जेक्टिव केस की, और से कर्ण कारक है तथा अपादान कारक की विभक्ति है। ये ज्यादा हिंदी तो हमको नहीं आती, लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे, हिंदी जानते हैं आप, पर ऐसे वाक्यों में को और से कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में आते हैं, इसलिए संज्ञा सर्वनाम प्लस को से के वाक्य में कर्ता का काम करता है, यानी को से के पहले जो नाउन उपनाउन आएंगे वही सेंटेंस के सब्जेक्ट बन जाएंगे। जैसे मुझको मुझसे आई, उसको उससे ही सी, और उनको उससे, उससे चला नहीं जाता, हाँ, उनको जाना है, उनको चला नहीं जाता, उनको जाना है और उनसे चला नहीं जाता, तो ही हैज टू गो बट ही इज नॉट एबल टू वॉक, तो ही लगाएंगे हम उनको के लिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज टू, ये आप देख लीजिए, लड़कियों को उपन्यास पढ़ना है तो द गर्ल्स आर टू रीड नॉवेल्स, उनको पढ़ना और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ता है लड़कियों को, तो हम कहेंगे द गर्ल्स हैज टू रीड, हैज टू रीड, स्टडी नहीं लगाएंगे, द गर्ल्स हैज, हैव टू, द गर्ल्स हैव टू, क्या बनाएंगे, द गर्ल्स, द गर्ल्स हैव टू, हैव टू रीड नॉवेल। लड़कों को कविताएं लिखनी है तो अब को, लड़कों को के पहले लड़के हैं, द बॉयज, द बॉयज हैव टू, द बॉयज हैव टू राइट, कंपोज लिखना पड़ेगा, कंपोज पोएम्स। पुलिस को चोर पकड़ना है तो द पुलिस have to catch the thieves। बाकी सेंटेंसेस आप कर भी सकते हो,
शिक्षकों को अंग्रेजी पढ़ानी है तो द टीचर्स आर टू टीच इंग्लिश या द टीचर्स हैव टू टीच इंग्लिश, आप कर सकते हो, इनको अपने आप करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप ट्रांसलेशन मुझे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। मुझको कार्य समाप्त करना है तो आई हैव टू फिनिश द वर्क। हम लोगों को अनुवाद सीखना है तो वी हैव टू लर्न ट्रांसलेशन। उनको अंग्रेजी सीखनी है तो दे भी लगा सकते हैं और ही भी, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, दे हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझसे बैठा नहीं जाता तो आई एम नॉट एबल टू सिट, उससे खाया नहीं जाता तो ही इज नॉट एबल टू ईट, उनसे दौड़ा नहीं जाता तो दे आर नॉट एबल टू रन। और बच्चों को पतंग उड़ाना है, द चिल्ड्रन हैव टू फ्लाई काइट। इनको आप करिए, उस लड़की को नाचना है, अपने आप से करिएगा, मैं सिंपली बता दे रहा हूं, उस लड़की को नाचना है तो दैट गर्ल हैज टू डांस। ठीक है ना, क्लियर हो रही। अब पुस्तक के नियम सरल हैं ये सारे। अब देखो, राम की गाय काली है। अब देखो इन सेंटेंसेस को देखो, राम की गाय काली है। मेरे ख्याल से ये दूसरे लेसन में ले लेते हैं, लंबा हो जाएगा लेसन फिर। ठीक है ना, चलो मैं इसको दूसरे लेसन में लेता हूं। ठीक है ना, काफी पेजेस हैं अभी। ठीक है, मिलता हूं अगले सेशन में, और बेहतरीन सेशन छोटे छोटे आते रहेंगे ये इसी तरह से। और आपको पता है कि आपका एलटी ग्रेड टीजीटी और पीजीटी का कॉम्बो बैच हमारे पास चल रहा है इंग्लिश का, और बहुत जल्दी मैं ट्रांसलेशन के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग का भी एक कोर्स शुरू करने वाला हूं, इंग्लिश एलटी ग्रेड टीजीटी और पीजीटी का एक कॉम्बो है बैच हमारा जो चल रहा है अभी। और अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो ये क्लासेस कंटिन्यू, आप देखिए ये कंटिन्यूअसली फ्री रहेंगे हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कोर्स मैं शुरू करना चाह रहा हूं स्पीकिंग का कोर्स मैं शुरू करने वाला हूं, और उसकी आज एक क्लास जरूर आएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं लगातार वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और कैसे आपको बोलना है ये मैं सिखाऊंगा, लिखना पढ़ना और सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।